हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ शिवराज सिंह और आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का ये सेकंड पार्ट। साइंस का हम पहला पार्ट जैसा आपको पता है पढ़ चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किए थे। ये हमारा है दूसरा पार्ट, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम आपको साइंस के एक बेहतरीन सिरे तक लेके चलेंगे। साइंस के एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है डाइन सेंटीमीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर और तीसरा है मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दोस्तों, आपका अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम में जाके लिंक है वो पीडीएफ है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मकों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। इसका जो सही आंसर है वो है बल एवं दाब, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, बल एवं दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई है वो किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट आंसर है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी है वो एक खगोलीय इकाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक और प्लांक नियतांक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है विकृति। निम्न में से अविमीय जो है वो अविमीय राशि है वो है विकृति है, और सारी विमीय राशियाँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी इसमें से है एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो इसका सही ऑप्शन है वो है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है, अदिश राशि कौन सी है वो बतानी है। ऊर्जा, बलागुण, संवेग, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए है वो है अदिश राशि। तो दोस्तों, अदिश राशि और सदिश राशियों का हम एक वीडियो में एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, इसके लिए आपके जल्दी मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो कल या परसों तक वो वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो इसका सही ऑप्शन है वो है संवेग, ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? जो राशि सदिश नहीं है वो राशि बतानी है। जो सदिश नहीं होगी वो तो अदिश राशि होगी, यानी राशियां तो दो ही होती है, सदिश और अदिश। ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है वेग, सी है बल और डी है आयतन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयतन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसका सही आंसर है वो है वेग, यानी सदिश राशि है वो कौन सी है? वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? कौन से वो है वो जिसकी व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? घनत्व है, द्रव्यमान, आयतन, चाल। और इसका सही आंसर है वो है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र फॉर्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, बी है ए बराबर न्यू प्लस वी टी, ऑप्शन सी है ए बराबर वी प्लस यू बटे टी,
और ऑप्शन डी है ए बराबर वी प्लस यू बटे दो। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी है। तो ए होता है त्वरण, वी होता है प्रारंभिक ऊर्जा और यू होता है अंतिम ऊर्जा और बटे टी होता है हमारा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, यानी संवेग और वेग के गुणनफल से कौन सी राशि है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, तो वो होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है संवेग इंटू वेग। तो संवेग और वेग को जब गुणा करते हैं तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, प्लांक के अचर में और किसका आयाम होता है, तो ए ऊर्जा का, रेखिक गति का, कोणीय गति का, बल का। तो इसका सही आंसर है वो है कोणीय गति का। किसका होता है, ऑप्शन नंबर सी है कोणीय गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्तकाल कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आवर्तकाल होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोणीय वेग कम हो जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है या कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोणीय वेग होता है वो कम हो जाता है। कोई लड़का अचानक किसी घूर्णन गति पे आके बैठता है तो उसका कोणीय वेग वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दो गुणा कर दिया जाए तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, त्वरण दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, भार दुगुना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा होती है वो चार गुनी हो जाती है। अगर वेग को दुगुना कर दिया जाए, किसी गतिशील वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चार गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है, दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका सही ऑप्शन है वो है द्रव्यमान स्थिर होता है और भार होता है वो परिवर्तनशील होता है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, द्रव्यमान तो स्थिर होता है और भार परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह है न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, या तृतीय नियम है, या गैलीलियो की गति का नियम है, तो यह है न्यूटन का प्रथम नियम है। इसका ऑप्शन है वो राइट आंसर है ए, न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो गतिशील तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या जब तक कोई वस्तु स्थिर है वो तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर है बल का अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, या हो सकता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, हमेशा है वो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है वो है सी, इसका राइट आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पे लगे होना चाहिए, ये नियम न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये है हमारा एजुकेशन मित्रा जिसपे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं साइंस, और इसी चैनल पे आपको
राजस्थान का वीकली करंट अफेयर भी मिल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपके लिए कैसा लगा है। तो ये हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे हम करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।